हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड यू आर वाचिंग अंकिता नेगी क्लासेस. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था क्लास 10th का, विच इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. हमने इसका जो पार्ट था एसिड वाला वो कंप्लीट कर लिया था. जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो. तो अब जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेस. तो हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस होते क्या हैं. ओके, सो बेस की डेफिनेशन होगी हमारे पास, सब्सटेंस दैट फर्निश हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. अगर हमें एक्वस सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है, यानी OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ठीक है, तो वो सब्सटेंस हमारा कहलाएगा कि वो क्या है, एक बेस है. जैसे हमने देखा था कि एसिड में H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन्स हमें दे रहा था सब्सटेंस, तो वो एसिड होगा. वैसे ही बेस में जो सब्सटेंस हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वो हमारा होगा बेस. अब कुछ मेन एग्जांपल हमारे पास बेस के, तो उनको देख लेते हैं. तो सबसे पहला है हमारे पास NaOH, जिसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपको दोनों नाम याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास इसमें है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास है KOH, इसको हम बोलते हैं कास्टिक पोटैश या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट हमारे पास इसमें है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. तो ये चारों के चारों हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेस हैं, ठीक है. तो आपको ये चारों याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनके दोनों नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है. अब नेक्स्ट, हमने जैसे एसिड में एसिड की क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, वैसे ही अब हम बेस की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. अब बेस की क्लासिफिकेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले इसमें हमारे पास आते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे, बेस विच आयनाइज कम्प्लीटली, यानी ऐसे बेस जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए, यानी कम्प्लीटली अपने आयन्स में ब्रेक डाउन हो जाए. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका लेके चलूँ, अगर मैं डेफिनेशन देखूँ, वो सब्सटेंस जिनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें और वो हमें क्या प्रोवाइड करें, हाइड्रोक्साइड आयन, तो जो जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है. तो अगर मैं इसमें एग्जांपल देखूँ NaOH, ठीक है, अब मैं NaOH का आयनाइजेशन करूँगी अगर एक्वस सॉल्यूशन में, तो मेरा ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है. तो मेरे को इसमें क्या मिला, हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया. तो और इसमें मेरे को क्या मिला, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो गया है, तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा NaOH है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है. नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है सेकंड टाइप, वीक बेसिस. वीक बेसिस क्या होते हैं, जो कि पार्शली आयनाइज हो या जो हमें लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन दे, ठीक है. इसमें हमारे पास एग्जांपल हो गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है. इसमें हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास बहुत कॉमन बेस है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है. तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं आयनाइजेशन करूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेरा कैसे ब्रेक होगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो ये मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है. तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वीक बेस का. तो सेम जैसी हमारे पास एसिड की क्लासिफिकेशन थी, वैसी हमारी बेस की है. उसमें भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते थे, और सेम बेस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस, दोनों डिपेंड करेंगे, एसिड वाला जो पार्ट है उसका डिपेंड करेगा हमारा H प्लस आयन के ऊपर, और जो बेस होंगे वो डिपेंड करेंगे OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन्स के ऊपर. जो जितना ज़्यादा अमाउंट में हमें H प्लस आयन देगा वो उतना अच्छा या उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितना ज़्यादा या जितना अच्छा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा. अब हमने क्लासिफिकेशन देख ली, नाउ नेक्स्ट पार्ट.
अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है हमारे पास, अल्कली। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये होता क्या है? तो अल्कली हमारे पास होते हैं वाटर सोल्यूबल बेस, ठीक है, यानी ऐसे बेस जो कि वाटर में क्या हो, सोल्यूबल हो, तो ऐसे बेस को हम बोलते हैं अल्कली। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं NaOH और KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके हमारे पास एग्जांपल है। इसमें एक चीज़ और है, सेम ये भी बेस के पार्ट है, मतलब ये भी बेस के अंदर आते हैं, तो ये भी कैसे होंगे, सोपी टच होंगे, ठीक है, बिटर होंगे टेस्ट में, कोरोसिव होंगे। बट इसमें हमारे पास एक चीज़ ये है कि हमें कभी अल्कलीज को टेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये क्योंकि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। अब इसमें हमारे पास एक छोटा पॉइंट ये आता है कि ऑल अल्कलीज आर बेस, ठीक है, जितने भी अल्कली होंगे वो सारे के सारे बेस होंगे, बट ऑल बेस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है, जितने भी अल्कली होंगे वो सारे के सारे बेस होंगे पर सारे बेस अल्कलीज नहीं हो सकते, ठीक है, आपको ये वाला पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अब बेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि बिटर होते हैं टेस्ट में, सेकंड रेड लिटमस को ये ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं, थर्ड जो बेस होते हैं ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यानी दे कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ बेस फील सोपी टू टच, ठीक है, ये सोपी टाइप का इनका टच होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, ठीक है। अब जैसे हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी करी है, बेसिस की भी केमिकल प्रॉपर्टीज करना ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको बोला था कि जितने भी रिएक्शंस होंगी आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको ध्यान में रखना, बाकी आप उसके बाद खुद ही रिएक्शन अपनी बना सकते हैं। तो सेम ऐसे अगर जब कोई बेस हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना है और मेटल भी कैसा होना चाहिए, एक्टिव मेटल होना चाहिए, ठीक है। जब आप स्ट्रॉन्ग बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो जो हमारा बनेगा वो होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर एक एग्जांपल से समझे, मैं बेस ले लेती हूँ NaOH और मेटल मैं ले लेती हूँ जिंक, ठीक है। जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, बेस कौन से होंगे जिनमें OH हो, मेरे इसमें OH है, ठीक है, और NaOH कैसा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए मैंने NaOH लिया है, मेटल मैंने जिंक ले लिया। जब NaOH और जिंक आपस में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा मेरा सोडियम जिंकेट का, और इसका फॉर्मूला होता है Na2ZnO2 प्लस क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे मेरा 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, बाकी 2NaZ भी 1 है, O भी मेरा 2 है, H भी 2 है, तो मेरा ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो मेरी जो फॉर्मेशन हो गया ये मेरा किस चीज़ का हो गया, सॉल्ट जो कि मेरे पास क्या है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मेरे को अब इससे क्या पता चला, जब एक बेस एक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेरा फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का, ठीक है, और वो सॉल्ट के साथ साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे जिंक को NaOH के साथ रिएक्ट करा तो मेरा सॉल्ट बना सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास रिएक्शन आती है रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बेस की है रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख रखा है दिस रिएक्शन प्रूव्स नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ये रिएक्शन प्रूव करती है कि जितने नॉन मेटलिक ऑक्साइड है ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब सेम आपको भी इसकी क्या याद रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है कि कैसे बनेगी हमारी रिएक्शन। तो बेस जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा फॉर्मेशन होगा सॉल्ट और वाटर का, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे मैं बेस लेती हूँ CaOH का होल ट्वाइस, जिसे मैं बोलती हूँ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या हमने चैप्टर 1 में देखा था इसको हम क्या भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम,
ठीक है, ये नाम याद रखना। नेक्स्ट, इसको मैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 ले लेती हूँ मैं। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन मेरी क्या हो गई, रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड, यानी एक बेस की रिएक्शन होगी किसके साथ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ, और फॉर्मेशन हो गया सॉल्ट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर मेरे को याद था, उससे मैंने पूरी रिएक्शन अपनी सॉल्व कर दी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने बेस वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, इसी रिएक्शन के साथ हमारा बेस वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।